Hello everybody, I hope you all are having a great day. I'm Anisha, Behera. Welcome back to my channel. Aaj finally main apne one of the favorite subjects mathematics ke bare mein baat karne wali hu. I hope aap log ko kuch tips mile jisse aap maths mein aur excel kar paaye. And maths is a very beautiful subject. I hope aap log mein se koi hate na karta ho maths ko. Jo hate karte ho, try start loving maths because it's a very beautiful subject and aap bahut matlab easily usme 100 score kar sakte ho, theek hai? So keep watching the video and aapko maybe kuch tips milenge jisse aap apne maths ko aur improve kar paoge. So I'm recording this video a lot after I made that other video. So I've decided that I'll upload a video of 1 hour of Pomodoro session, okay? So what is Pomodoro basically? It's a type of timer. ठीक है, उसमें मैं सोची हूँ एक 55 मिनट्स का सेशन लूँगी. ठीक है, एंड उसके बाद 5 मिनट्स नॉर्मली मैं आप लोग ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं. ठीक है, तो जब मैं 55 मिनट्स का सेशन लूँगी उसके रूल्स ये होंगे कि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी, आप जिस टाइम पे भी वो वीडियो देखोगे यू हैव टू कमेंट दैट टाइम. एंड देन उसके बाद व्हेन यू विल मतलब आपकी 55 मिनट्स की कंटिन्यूस पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, देन आप वो कमेंट को एडिट करके कितना टाइम तक पढ़े वो ज़रूर लिखेगा कि आप चैलेंज को कितना टाइम तक पूरा कर पाए. ठीक है, मेरा 55 मिनट्स वाला पोमोडोरो मैं कंटिन्यूस पढ़ूंगी. ठीक है, एंड आई होप मेरे को देख के आप लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा एंड आप लोग भी पढ़ाई करोगे, एक साथ पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो आई मेरे को लगता है नॉट ओनली ICSE स्टूडेंट, मतलब जिसको जो ये वीडियो देख रहे हैं, बट कोई भी आके मतलब जिसको पढ़ने का मन है वो मेरे पोमोडोरो सेशन में मिल सकता है एंड हम लोग मिलके पढ़ाई करेंगे. ठीक है, नाउ वॉच द वीडियो मैथमेटिक्स. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ डिड आई स्कोर अ 98 इन मैथमेटिक्स, वेयर डिड आई लूज दोज 2 मार्क्स, एंड हाउ कैन यू स्कोर 100 इन मैथमेटिक्स अवॉइडिंग द मिस्टेक्स विच आई हैव डन. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग को मैथ्स की आपकी प्रिपरेशन कैसे रहनी चाहिए, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर वो फर्स्ट 20 मिनट्स रीडिंग टाइम में क्या करेंगे, फिर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सब चीज़ हम लोग आज बात करेंगे. ठीक है, सो पहला एंड सेकेंड एंड थर्ड वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट ICSE CBSE दोनों स्टूडेंट्स के लिए चलेगा, तो आप लोग सब देख सकते हो. बट बाकी जब मैं चैप्टर्स की बात करूँगी कि आप लोग को कौन सी चैप्टर कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बस ICSE वालों के लिए ही होगा. ठीक है, पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग को कैसे प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के लिए. ठीक है, तो मैंने इतनी ज़्यादा किताबें नहीं की थी प्रैक्टिस, तो आप लोग भी अगर कर पाते हो टाइम है तो करो, वरना अगर कर लिया है पहले से ही तो वेल एंड गुड, वरना अभी इतना ज़्यादा मतलब बुक्स करने की कोशिश मत करो. उससे बेटर है कि अगर जो भी आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही है, ठीक है ना, एक ही बुक को लेके उसकी एक्सरसाइजेस को कर लो, फिर एग्जांपल्स को कर दो, देन उसके पीछे में कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए होते हैं वो भी कर लो. ठीक है, आपकी जब स्कूल बुक हो जाए पूरी अच्छे से कि आई एम डन विद इट, स्कूल की बुक पूरी अच्छे से हो जाए, एक एक क्वेश्चन आप कर लो प्रैक्टिस अच्छे से, फिर क्या करो कि मैथ्स में मैं नहीं बोलूँगी आप लोग को 10 ईयर्स ओवरलुक करके जाना है, मैथ्स में आप 10 ईयर्स सॉल्व करो. ठीक है, जितना पेपर हो सकता है सारा सॉल्व करो. ठीक है, ताकि आपको इससे क्या हो कि आपको इससे टाइम लिमिट के अंदर करने की प्रैक्टिस भी मिले. ठीक है, आप मैथ्स को जैसे एग्ज़ाम टाइम होता है वैसे ही मैथ्स के लिए 2 आवर्स मॉर्निंग में डिवोट करके आप उसमें अपना एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, जैसे ही आप खुद को टाइमर लगा के खुद से ऑनेस्ट रह के सॉल्व करो, जैसे ही टाइम मतलब ख़त्म हो जाए आपका 2.5 आवर्स ख़त्म हो जाए, एग्ज़ाम हम लोग का ICSE में 2.5 आवर्स का होता है मैथमेटिक्स पेपर, तो आप क्या करो कि उसको बंद करके रख दो. अगर आपको अभी आपसे थोड़ी फास्ट नहीं हो रही और आप अगर थोड़ा फास्ट कर पा रहे हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट करने का कोशिश करो. अगर आप अभी से 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा, वो हाफ एन आवर आपके लिए रह जाएगा जब आप रिवाइज कर पाओगे कि मेरा कुछ मिस्टेक्स हुआ है या फिर कुछ, या फिर आप चाहें तो तब एक्स्ट्रा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप क्या करिए कि अभी मतलब जो थोड़ा फास्ट कर पा रहे हो वो 2 आवर्स लेके सॉल्व करो, एंड जो थोड़ा अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है जिसको, वो 2.5 घंटा लेके अभी पूरा मैथ्स पेपर को सॉल्व करो. उसके पहले वैसे ही 20 मिनट्स आप रीडिंग टाइम भी लेके मतलब ऐसे पूरा एग्जामिनेशन में जैसा होता है वैसे ही आप प्रैक्टिस करो. ठीक है,
तो आपको मैथ्स के लिए क्या कर लेना है, स्कूल वाली बुक कर लेनी है बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद आपको 10 ईयर्स के पेपर सारे अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इतना आप लोग को बहुत अच्छे से कर लेना, इतना जब आपका हो जाए, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाए, तो आप फिर मतलब जो 20 हम लोग का जो मैथ्स पेपर हुआ था उसको पूरा एकदम अपने बोर्ड एग्ज़ाम जैसा समझ, उसको रखिएगा कि ये पूरा लास्ट मेरा एकदम एग्ज़ाम के पहले वाला एकदम फाइनल प्रिपरेशन है, ठीक है। उसको एकदम मतलब लास्ट में पूरा एक दिन अच्छे से बैठ के पूरे, जब आपकी प्रैक्टिस लेवल पूरा हाई हो जाए, एकदम आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हो, वो पेपर को अपना बोर्ड एग्ज़ाम समझिए, ठीक है। ये हम लोग का 2020 का पेपर है जो हम लोग को मिला था, ठीक है। तो इसको आप एकदम लीजिए, अगर आपके कोई सीनियर है तो उससे पूरा ऐसे पेपर फॉर्मेट में ही ले लीजिए, वरना प्रिंट आउट कर लीजिए, ठीक है, पेपर को। या फिर आपके 10 ईयर्स में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस होता है, उसके नीचे आंसर्स होते हैं, या फिर किसी को एक बोलिए कि वो क्वेश्चंस एक पेपर में लिख दे, वो 2020 वाले, ठीक है। तो उसको क्या करिए कि आप पूरा एकदम एग्जाम माहौल जैसा उसको समझिए, 20 मिनट्स लीजिए, फिर उसको एग्जाम पेपर जैसा पहले से मत देखिए, उसको उसी टाइम देखिए, फिर डिसाइड करिए कौन सा क्वेश्चन क्या लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, तब आपको क्या होगा ना कि पूरी बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। क्योंकि अभी तक आपके मतलब एग्जाम माहौल जो मतलब हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं, वो अभी तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, तो आपको घर में ही अभी प्रैक्टिस करना होगा। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ये हो गया वो हो गया तो मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर पाई, एंड मतलब अच्छे से एग्ज़ाम माहौल वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। तो आप क्या करिए, उसी के लिए आप ये वाले पेपर को एकदम पूरा एग्ज़ाम के जैसे सोच के सॉल्व करिए, ठीक है। जो CBSE वाले हो अपने लास्ट ईयर 2020 के CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर ले लो, जो ICSE वाले हो अपने ICSE के 2020 के पेपर ले लो, एंड सॉल्व करने की कोशिश करो पूरा अपना बोर्ड एग्ज़ाम जैसा समझ के, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये लास्ट ईयर का था अभी तो कुछ काम नहीं है, ये काम देगा, ठीक है ना। आप देखना कि ये सॉल्व करने के बाद आपको कितना कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, आप देखोगे कि आपको कॉन्फिडेंस भी गेन हो गया है, उसके साथ आपको टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो गई है, देन आप मतलब ऐसा भी सोच पा रहे हो कि कौन सा स्टेप कैसे लिखना है, मुझे पेपर को अप्रोच कैसे करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है जो मुझे छोड़ देना है मतलब ऑप्शनल वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये सब डिसाइड करने का टाइम अभी है, वो जाके डायरेक्टली आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं डिसाइड करोगे। तो अभी ये सब आपको डिसाइड कर लेना है कि क्या आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर आपको ये वाला पार्ट हो गया कि आप प्रिपरेशन कर दिए, एकदम प्रैक्टिस कर दिए, सारा क्वेश्चन आपसे एक एक हो जा रहे हैं अभी, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा है, आप बैठ के एनालाइज करिए कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, फिर वैसे ही टाइप का और एक क्वेश्चन लेके फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर आप अच्छे से समझ लिए, चैप्टर खत्म हो गया, ये 10 ईयर्स भी कर लिया आपने, 10 ईयर्स बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि उससे आपको पूरी एग्ज़ाम हॉल वाली फील आएगी, ठीक है। वो हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद आप खुश हो जाना, रख देना मैथ्स बुक को। फिर आपको जानना है कि पहला 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, ठीक है। वो बताने से पहले आप CBSE वाले जो हो ये 2 मिनट्स को स्किप कर सकते हो, मैं अभी बता देती हूँ ICSE वालों को कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। मेरे पास अभी आपका रिड्यूस सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन से चैप्टर के लिए आपकी कैसी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला जो चैप्टर है वो है GST, ये हम ही लोग के टाइम में 2020 में ऐड हुआ था। तो इसमें आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कब मनी स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, कब सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, कब टोटल ही सारा ही मनी जब यूनियन टेरिटरी के पार्ट हो रहे हैं तब वो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से जान लेना है कि कब कौन सा मतलब कौन सा उसका ट्रांजैक्शन किधर हो रहा है, नहीं तो आप अगर जानोगे ही नहीं टैक्स कौन से गवर्नमेंट को जा रहा है तो ये प्रॉब्लम सबसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि कब कौन सा मनी किसके पास जा रहा है, ठीक है, टैक्स के समय। बैंकिंग इज़ एन ईजी चैप्टर, ये आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है लर्न करने लायक, और अगर आप मतलब थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा कैसे कि मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, वो दोनों फार्मूला से ही मिलकर इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो आपको अगर वो आते हैं ये भी हो जाएगा आपसे, इससे क्वेश्चंस नहीं आते। फिर आप एलजेब्रा को कैसे डील करोगे, ठीक है। एलजेब्रा में पहला पार्ट आया लीनियर इक्वेशंस, इसमें आपको जान लेना है कि आपको मतलब उसका सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, आपको अगर क्वेश्चन मिले एलजेब्रा का, फिर नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपका है नंबर लाइन है, फिर आपको नंबर लाइन में ये ध्यान रखना है कि आपका जो पॉइंट्स होंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स, उससे भी आप एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बनाओगे, ठीक है।
फिर एरो बनाओगे, ये सब नंबर लाइन में आपको याद रखना है। फिर एपी है, ठीक है, आपका जीपी नहीं है तो एपी को आप एपी इजी है बहुत, ठीक है ना। उसमें तो बस आपको फाइंडिंग दी जनरल टर्म और फाइंडिंग दी सम, इसमें दो ही फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए एंड कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई की सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपसे हो जाएगा, रिफ्लेक्शन तो बहुत इजी है, आपसे हो ही जाएगा वो, ठीक है। आपको उसमें बस जान लेना है कि मतलब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होने से कहाँ जा रहा है, मतलब ये वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होने से वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये बस आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट माइंड में रखेंगे तो हो जाएगा। फिर इसमें से थोड़ा समझने वाला पार्ट आता है जहाँ पर सेक्शन, मिड पॉइंट, फिर स्लोप, मतलब कि हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि कौन सा, मतलब कैसे इक्वेशन फ्रेम होगा, फिर कौन सा पॉइंट कहाँ से जाएगा, स्लोप कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप अगर थोड़ा एक बार अच्छे से सेल्फ स्टडी करोगे कि कौन सा, मतलब हम लोग को कौन सा कोऑर्डिनेट मिलने से कैसा हम लोग उसको बना रहे हैं, ठीक है, तो ये आपसे हो जाएगा। फिर ज्योमेट्री सिमिलैरिटी आपसे हो ही जा रहा होगा अभी तक, मोस्टली जो जो क्वेश्चन आप नहीं हो रहा है सिमिलैरिटी के, उसका सोल्यूशन देखिए कैसे रूल फॉलो हो रहा है वो जानिए। इसकी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आपको पता करना है कि मतलब दो ट्रायंगल दिए हैं उसको मैं कैसे सिमिलर कर पाऊँ, ठीक है ना, आपका मोटिव तो वही रहना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा मे बी किसी किसी को डाउट हो रहा होगा, तो आप क्या करो कि ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रूफ्स होती है फिर कुछ होती है थोड़े प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, वरना ये नहीं होंगे। आपको प्रूफ अगर पता नहीं होगा कि ये स्टेप के बाद मैं कैसे अप्रोच लूँ ताकि मेरा मतलब ये इक्वेशन प्रूफ हो जाए, तो आपके ये नहीं सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो आप उसको एक बार जान लो अच्छे से। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में कोई कोई प्रीफर करते हो कि क्वेश्चन मैं अटेंड ही नहीं करूँगी बिकॉज ये लंबा आता है, मेरे को डाउट होता है। अगर आप एक बार स्टैटिस्टिक्स को समझ लो ना, इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, ठीक है ना, 5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे उसमें, ठीक है, एक बार बना लो। एंड उसमें ये भी होता है कि आंसर्स को ना मतलब प्लस वन माइनस वन में वेरिएबल भी होता है वो, ठीक है ना, तो आप जो भी लिखोगे तब अगर वो आंसर के आसपास भी हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये वाला इज वेरी स्कोरिंग, आप थोड़ा समझने की ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी, ये तो ईजी है, ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये ICSE वालों का मतलब मैं बता दिया आपको कौन सा चैप्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पार्ट में। अभी हम लोग मैं आपको बताती हूँ कि पहला जो 20 मिनट्स होता है उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहला 20 मिनट्स में पहले आप मतलब जो कंपलसरी पार्ट है उसको छोड़ दो, ठीक है, ऑप्शनल पार्ट में आओ, एक बार अच्छे से रीडिंग कर लो, ठीक है ना, जो साथ है वो साथों के साथ अच्छे से रीडिंग कर लो, ठीक है। जैसे ये हम लोग का पेपर हो गया, ये कंपलसरी पार्ट इतना तक था, आप इसको अभी के लिए छोड़ दिए 20 मिनट्स में, ये जो ऑप्शनल वाला पार्ट है इसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लो, ठीक है। और रीडिंग करने के बाद आप क्या करो, अगर कुछ डायग्राम है या फिर कुछ है तो आप ऐसे अपने माइंड में उसमें एंगल्स या फिर कुछ थोड़ा पेंसिल में ऐसे लाइटली मार्क करके फिर कुछ एक सोच के रखो कि ये ऐसे ऐसे मैं इसको अप्रोच करूँगी, ये ऐसे ऐसे सॉल्व करूँगी, फिर ये हो जाएगा मेरे से, ठीक है। तो वैसे ही उस पर सोच लो, ठीक है ना, तुम्हें सोच लो कि ये 4 मेरे मेन क्वेश्चन है एंड फाइनली अगर मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिला बहुत तो मैं ये वाला क्वेश्चन अटेंड करूँगी, ठीक है ना। आप पहले से ही मत सोच के जाओ कि मेरे को पूरा ही पेपर अटेंड कर लेना है, वरना आपको वहाँ पर एग्जाम हॉल में पैनिक फील होगा कि मेरे से नहीं हो रहा है एंड इसमें से कुछ मार्क मिल जाएगा, इसमें से कुछ मार्क मिलेगा, क्यों ऐसा क्यों ही सोचना है। आप पहले ही अपने 4 पूरा अच्छे से डिसाइड कर लो, ठीक है, फिर एकदम आराम से लिख दो जाके, एकदम खुश होके जो जैसे आराम आराम से लिखो, ठीक है, वो आपने लिख दी। तो जब आपका 20 मिनट्स एंड हो गया, आपके पास डिसाइडेड होने चाहिए, ये 20 मिनट्स में आपको डिसाइड कर ही लेना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो एग्ज़ाम हॉल बैठ के फिर से डिसाइड करूँ, ठीक है। तो आप पूरा परफेक्ट डिसाइड कर लो 20 मिनट्स में कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ठीक है। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, आपको अटेंड करना है, तो उसमें आप नॉर्मल पहले कंपलसरी से स्टार्ट करो, वो लिखने बाद ऑप्शन में जाओ नॉर्मल जैसे, और आपके पास अगर ज़्यादा टाइम बचेगा तो आप एक्स्ट्रा अटेंड करें। फिर आपके एग्ज़ाम के पेपर के ड्यूरेशन क्या होते हैं, 2.5 आवर्स, ठीक है, एंड उसमें हम लोग कितने क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, 8 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो आप अगर सोचोगे कि मेरे को 15 मिनट्स में 1 क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है ना, नॉट अ बिग डील, ठीक है, 15 मिनट्स में आप डिसाइड करो कि मैं 1 क्वेश्चन करूँगी, ठीक है। आप 15 मिनट्स आपको मिल रहे हैं एक एक क्वेश्चन के लिए, सफिशिएंट है, ठीक है। आपको अगर लग रहा है सफिशिएंट नहीं है तो आप वो 30 मिनट्स जो आपने रिवीजन के लिए रखा है उसमें से आप थोड़ा यूज़ करके इधर भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा स्टिपुलेटेड 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है, बट ट्राई करिएगा अभी भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो एक एक क्वेश्चन 15 मिनट्स में कंप्लीट कर दो।
ताकि इससे क्या होगा कि 2 आवर्स में आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा एंड हाफ एन आवर आप आराम से चेक कर सकते हो। एंड अगर आप चेक करने के बाद आपके पास फिर से 15 मिनट्स बचते हैं देन आप और एक एक्स्ट्रा भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कि पेपर को अटेंड कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 2 मार्क्स कहाँ गए थे, ठीक है ना। आई एग्जैक्टली रिमेंबर कि किस पॉइंट पे मेरे मतलब 2 मार्क्स गए थे, मार्क्स कहाँ गए थे मैं बताती हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था जीपी का, ठीक है ना। उसमें क्या था कि मतलब लास्ट में उसका एक टर्म निकालना था, ठीक है ना। तो मैंने पूरा लास्ट तक ठीक लिखा था, मैंने लिखी थी 2 to the power 9, ठीक है ना। उतना तक मेरा ठीक था, ठीक है ना। क्वेश्चन का वो पूरा लास्ट पार्ट था, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं क्या हुआ मेरा माइंड पता नहीं, मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गई या पैनिक कर गई पता नहीं, बट 2 to the power 9 को मैं इक्वल टू 256 लिख दी, ठीक है। तो वो जो मैं पूरा लास्ट पार्ट में लिख दी कि 2 to the power 9 इक्वल टू 256, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड उसके 3 पार्ट्स भी थे, ठीक है ना। तो उसके मतलब ये वाले पार्ट में मेरे को मतलब जो 3 पार्ट्स थे उसमें से एक में मतलब हम लोग को लिखना था उसका सम, और 2 पार्ट में मतलब ऐसा डिवाइडेड था कि इसका प्रोसीजर और 1 मार्क उसके आंसर के लिए। बट वो एग्जामिनर ने शायद तक पूरे ही वो 2 मार्क्स वो उसी क्वेश्चन में ही मतलब काट दिए, तो मेरे 98 आए थे। तो वही मैं मतलब लास्ट में जो मिस्टेक की कि 2 to the power 9 इक्वल टू 256 मैं लिख दी, ठीक है ना। वो मिस्टेक मेरे से प्रैक्टिस या फिर कभी भी अभी भी आप मेरे को डायरेक्टली पूछोगे मिस्टेक नहीं होता, बट एग्जाम माहौल का ही वो फीलिंग होता है कि आप जाके वहाँ पर आपको आता होगा भी आप कुछ गलत करके आ जाओगे। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप जब जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना, अगर मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जैसा मेरे जैसा, तो आप बिल्कुल मेरी मतलब ये एक्साइटेड और ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है ना। आप नॉर्मल एकदम जाके लिख के आना जैसे आपको 100 मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ट्राई करना कि आप जितने लिख रहे हो ना वो काम माइंड से करेक्ट लिखो, ठीक है ना। ऐसे माइंड में सोचना कि मतलब मेरे को 100 ही लाना है, ये लाना है, ये लाना है, तो आप वो आराम से एकदम लिख के अटेम्प्ट करके आ जाना। एकदम काम माइंड जितना लिखोगे ना मैथ्स पेपर उतना अच्छा होगा आपसे। ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले दिन आप बैठ के 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, मैथ होगा उसके पहले वाले शाम को एटलीस्ट आप 8 बजे तरफ से आप कुछ भी और मत पढ़ाई करना, ठीक है ना। तब माइंड रिलैक्स करके एकदम चिल करना एंड एग्ज़ाम पूरा अच्छे से देके जाना, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ टिप्स मिली होगी जिससे आपके मैथ्स पेपर और मतलब अच्छी हो सकती है एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सकती है। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सब ICSE एंड CBSE स्टूडेंट्स को आई होप कि आपका मैथमेटिक्स पेपर बहुत अच्छा जाए एंड आप लोग बहुत ही हाई स्कोर करके आओ एंड माइंड को जितना हो सके काम रखना एंड ऑल द बेस्ट, एन्जॉय स्टडिंग। एंड मैथ्स तो बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, जो जो इसको हेट करते हो थोड़ा थोड़ा प्यार करना स्टार्ट कर दो मैथमेटिक्स से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।